आई होप कि आप लोग हेल्दी होंगे और अपने व्यवसाय को बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। फ्रेंड, आज हम जानेंगे कि हमारा जो सफलता है थ्रू मोदी केयर, वो कहीं ना कहीं कहीं स्लो हो जाता है या फिर हमें कोई रुकावट आती है, वो किन वजह से आती है, उस वजह के बारे में आज जानेंगे। मोदी केयर के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक बेहतरीन ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारे पास है, जो ये 2500 साल का सफलता का अनुभव लिए हुए हमारे पास है, और जो हमें दिया गया है 10 एक बेहतरीन पॉइंट, जिसे हम बुलेट पॉइंट कर सकते हैं। इस 10 पॉइंट को अगर आप समझ पाते हैं और अपने टीम को उसी दिशा में उसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए बिल्ड कर पाते हैं, तो आपकी सक्सेस बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत फास्ट हो सकती है। मोदी केयर अभी जिस मूड में है कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो मोदी केयर में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आया है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया है, उसके लिए पुल एंड पुश बहुत बेहतरीन दे रखा। तमाम ऑफर्स आपको खींच रहा है, आपके साथ में कंज्यूमर क्रिएट करने में मदद कर रहा है, और बोनांजा बोनस, एक्स्ट्रा इंसेंटिव बोनस, वह कहीं ना कहीं आपको पुश कर रहा है, यानी आपको धक्के देकर आगे लेकर जा रहा है, अपने सपनों के पास लेकर जा रहा है। और मोदी केयर ये कहता है कि आप और हम सभी लोग मिल करके एक आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस मदद में जो मदद करता है मोदी, उसे हम बोलते हैं पुल एंड पुश। अभी 10 का दम ऑफर कल खत्म हो रहा है, ये बेहतरीन नेटवर्क बनाने में ये मदद करता है, क्योंकि सबसे पहले जो आता है वो आता है आपके द्वारा नेटवर्क बनाए गए लोगों का मोदी केयर के साथ रिलेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोदी केयर के साथ रिलेशन बनाने के लिए मोदी केयर ने आपको दिया है हर मार्केट से अलग एक ऑफर, जो कि कहीं मार्केट में नहीं मिलने वाला। उसके साथ साथ बम्पर प्राइस ऑफर, वो भी कहीं मार्केट में नहीं मिलता। उसके साथ साथ अपने सारे कंसल्टेंट के सपनों को पूरा करने के लिए मोदी केयर पुश कर रहा है एपीबी प्लस बोनस दे करके, क्योंकि लोग सबके सब लोग यहाँ पर आए हैं, वो आए हैं पैसे कमाने के। मोदी केयर जितना एफर्ट आप करते हैं उस एफर्ट को पुश कर रहा है, क्योंकि मोदी केयर ये जानता है कि हर सफलता संघर्ष की कोख से जन्म लेती है। उस संघर्ष को मजेदार बनाने के लिए मोदी केयर हमें और आपको दिया बोनांजा बोनस। आप अपने बोनस के माध्यम से जो भी इनकम कमाएंगे, उस इनकम में मोदी केयर और कुछ ऐड किया इनकम, जिसे हम बोलते हैं बोनांजा बोनस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये महीना आजादी का महीना है। ये महीना हम और आप अपने टीम की आजादी के लिए संघर्ष कर सकते हैं, और हम और आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो प्लेटफॉर्म है, ये आपके जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी रहने वाला है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। हम अपने लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए यह काम कर रहे हैं, जिसमें मोदी केयर हमें एक्स्ट्रा इंसेंटिव के माध्यम से हमारे हौसलों को बढ़ा रहा है। हम जितना काम करके मिनिमम कमा पाते थे, उतना ही काम करके हम मैक्सिमम कमा सकते हैं, और लोगों को इस रास्ते पर लेकर आ सकते हैं कि वह भी उसी रास्ते पर चल करके अपने और अपने परिवार के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित करें। तो चलिए, देर ना करते हुए मैं आपको लिए चलता हूँ उस मीटिंग में, जिसका नाम है 10 कॉमन मिस्टेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 10 ऐसे खतरनाक मिस्टेक होते हैं, जाने अनजाने में होते हैं, जो स्पीड है हमारी सफलता की, जो रफ्तार है, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्लो हो जाते हैं या रुक जाते हैं, जिसका नाम दिया मोदी केयर ने 10 कॉमन मिस्टेक। ये कौन से 10 कॉमन मिस्टेक है जिसके बारे में आज और हम जानेंगे। अगर आप सीरियस हैं अपने सपनों को लेकर के, अपने इनकम को लेकर के, अपनी लाइफ स्टाइल को लेकर के, अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के, अगर आप सीरियस हैं,
तो 30 मिनट यहाँ पर सीरियस से आप बैठिएगा, और अगर आप डायरी पेन के साथ हैं तो सबसे बढ़िया। इस 10 मिस्टेक को आपको लिखना है, और इसे जब भी आप फील्ड में जाते हैं और कोई भी कार्य करते हैं, आप अपना प्रेजेंटेशन करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, और जब घर वापस आते हैं, तो ये 10 कॉमन मिस्टेक को जरूर देखिएगा, कहीं गलती से ये कॉमन मिस्टेक तो नहीं हो गया। और अगर आप देखते हुए 6 से 9 महीना बिताते हैं, तो आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन की तरह या बिजनेस वूमेन की तरह आप इस व्यवसाय में आएंगे। और जब आप परफेक्शन के तरफ बढ़ने लगते हैं, तो अचीवमेंट आपके साथ साथ चलने लगता है। 10 कॉमन मिस्टेक में सबसे पहला जो मिस्टेक की तरफ हम बढ़ते हैं और उस मिस्टेक को हम जानते हैं, सबसे पहला मिस्टेक, री इन्वेंट द व्हील। हम अलग अलग जॉब प्रोफेशन से आते हैं, यहाँ पर हम अलग अलग भाषा भाषी लोग हैं, हमारा माइंड की अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हुई है। कुछ लोगों के पास ट्रेडिशनल मार्केट का अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पर आपको सफलता सिर्फ दिलाएगा मोदी केयर के जो सिस्टम है, उसी को फॉलो करने पर आपकी सफलता बिना किसी बाधा के बहुत स्पीड से आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर पहला जो गलती होती है कि हम कुछ दिन तक देखा जाता है कि काफी साथी हमारे साथ और इवन हम सभी लोग कुछ दिन तक हम सिस्टम फॉलो करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हम कुछ क्रिएटिविटी करना शुरू। मोदी केयर का सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर ये कहता है कि आप कोई भी क्रिएटिविटी ना करें, फॉलो करें टाइम टेस्टेड सिस्टम। इसी कार्य को करते हुए जो कंपनी का मैनेजमेंट बोलता है, जो कंपनी के जो हमारे एक्सपीरियंस जो हमारी कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर हैं, जो हमारे कंपनी के बीपी सेल्स हैं, ये लोगों का बहुत अनुभव है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया ये PDF है। और जो हमारे अपलाइन बोलते हैं, सिर्फ हमें उन्हें फॉलो करना है, अपने तरफ से हमें कोई क्रिएटिविटी नहीं करना है। अगर हमें चाहिए कि हम कम समय में बड़ी सफलता पाएं, तो जो आपका अपलाइन जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, वो जो बोलते हैं, आप उन्हें फॉलो करें। यह वो व्यवसाय है जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करने से चलता है। कॉपी पेस्ट किसका करना है? कॉपी पेस्ट उस शख्सियत का करना है जो सफल है, और उस सिस्टम का करना है जो 2500 साल से चला आ रहा है। हम लोगों के पास मोदी केयर ने एक बेहतरीन स्ट्रक्चर दिया है, उस बेहतरीन स्ट्रक्चर पे कितने वैल्यूम हम क्रिएट कर पाते हैं, आपको क्लियर एक मैसेज दिया है कि आप कब लखपति बन सकते हैं या आप अपने सपनों की जिंदगी कब कर सकते हैं। तो डोंट क्रिएट एनी क्रिएशन, कोई भी क्रिएशन को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी काम अपने मन से ना करें, अगर आपके मन में ये आता है कि ये काम करने से आपकी सफलता रफ्तार पकड़ सकती है, तो उसको डिस्कस करें अपने एक्टिव अपलाइन के साथ। अगर वह कहीं पर भी आपकी सफलता में आपको फायदा पहुंचाएगा जो आप करने वाले हैं, आपके अपलाइन कभी आपको नहीं रोकेंगे। तो ये पहला जो पॉइंट है कि हमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है, हमें यहाँ पर टाइम टेस्टेड सिस्टम को फॉलो कर देना है, क्योंकि जो भी हमारे पास तक आता है वो कहीं ना कहीं अप्लाई किया हुआ रोड मैप है। तो आइए चलते हैं कि दूसरा जो मिस्टेक होता है वो क्या होता है, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमें ज्यादा बड़ी अर्निंग करनी है, हमें उतना ही बड़ी लर्निंग करनी होगी और उसी क्षेत्र की करनी होगी। अगर आपको मोदी केयर में बड़ी सफलता चाहिए, तो मोदी केयर के ही सिस्टम को हमें फॉलो करना हो, हमें हमेशा सीखते रहना होगा। हम आप सभी लोग कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस में अगर स्ट्रांग बन जाते हैं, तो हम बेहतरीन एक लीडरशिप में आएंगे, और जो भी हमारी टीम, जिसको हम नेटवर्क बोलते हैं, जिसे हम बनाएंगे, वह एक शिक्षित नेटवर्क बनेगा जो कि सीखने में इंटरेस्ट दिखाएगा। आप और हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता पाने के लिए लगातार हमें सीखना चाहिए। आप लोगों को ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आज अभी ओलंपिक खत्म हुआ, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता भाला फेंकने में।
आप समझ के देखिए कि वो गोल्ड मेडल पाने के लिए वह व्यक्ति लगातार कितने दिनों से उस भाला को फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे भाला फेंकना तो 4 दिन में आ गया, 10 दिन में आ गया, 2 साल में आ गया, लेकिन लगातार उस गोल्ड मेडल के लिए वही कार्य वो लगातार करता रहा, आज पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन। तो हमें हर कदम पर हर समय खुद लर्निंग प्रोसेस में रहना चाहिए, और जो हम सीख करके फील्ड में करते हैं और करने के बाद जो अनुभव हमें मिलता है, जो हम रिजल्ट पाते हैं, उसी रिजल्ट को सेम अपने टीम को सिखाना। अब अगर आपका जो लर्निंग प्रोसेस है अगर अच्छा है तो आपके टीम में बेहतरीन प्रेजेंटर आएंगे, बेहतरीन डेमोंस्ट्रेटर आएंगे, बेहतरीन माइंड सेटअप के लीडरशिप डेवलप होगी, और आप लोगों की सफलता बहुत रफ्तार से आपके पास आएगी। तो हमेशा सीखते रहिए, करते रहिए, और करने के साथ साथ आप अपने टीम को सिखाते रहिए। जितने भी यहाँ लीडरशिप हमारी आज उपस्थित है, हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करने से पीछे ना हट। आपको अगर लगता है कि ट्रेनिंग में 2 बार अटेंड किया, 1 बार और अटेंड करिए। क्यों अटेंड करिए? क्योंकि आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे, आप एक लीडरशिप की तरफ तभी पहुंच पाएंगे जब आप किसी भी चीज को करते हुए आप बिना किसी बाधा के आप उसको अंजाम दे पाए। फ्रेंड, टीचेबल रहना है और कोचेबल रहना है। यहाँ पर हम सभी लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं, लेकिन हर परिवार में एक मुखिया होता है जो कहीं ना कहीं हमसे थोड़ा ज्यादा या ज्यादा अनुभवी होता है। हम सब लोग उनको फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी आपके अपलाइन आपसे अनुभवी है, चाहे वो 2 दिन के लिए अनुभव ज्यादा हो या 2 साल का अनुभव ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा है। तो प्लीज अगर सफलता बिना व्यवधान चाहिए तो आप उनके साथ प्लग रहिए, सीखते रहिए, कभी भी सीखने से पीछे मत हटिए, क्योंकि जितना अच्छी तरीके से सीखेंगे उतने अच्छी तरीके से आप सिखा पाएंगे, और ये सीखने करने और सिखाने का व्यवसाय। तो ये रहा आपका दूसरा पॉइंट जिसे हमें फॉलो करना है। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, यह व्यवसाय शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, यह व्यवसाय लाइफ टर्म के लिए, यह जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी के लिए है। इस व्यवसाय में बहुत ज्यादा लोग लंबा सफर नहीं तय कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में शॉर्टकट का यह रास्ता समझ में आता है। ये शॉर्टकट नहीं है। मैं ये जरूर मानता हूं और आप भी मानते हैं कि यह कम समय में सफलता दिलाने वाला प्लेटफॉर्म, लेकिन कम समय कितना समय, ये आपकी हरकत पे डिपेंड करेगा, आपकी सीरियसनेस पे डिपेंड करेगा, आपका पैशन निर्धारित करेगा कि यहाँ पर आपको सफलता 2 साल में मिलने वाली है, 5 साल में मिलने वाली है, 6 महीने में मिलने वाली है, 1 साल में मिलने वाली है। जिसको सक्सेस की भूख होती है, जिसे पैसा कमाने की भूख होती है, उसको समय जो होता है वो कम लगता है। और जो यहाँ पर बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसे सुन करके आते हैं जिनको ये लगता है कि ये लॉटरी है, आज लगी कल हम करोड़पति। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यह प्योर मैथमेटिकल तरीके से डिजाइन किया गया व्यवसाय है जो सफलता बहुत बड़ी दे सकता है, लेकिन समय लगेगा, और समय उतना ही लगेगा जितनी भूख आपकी तेज है। अगर आप बहुत पैशनेट हैं अपने सपनों को लेकर के, बहुत आप उत्साहित हैं, आप अपनी एनर्जी और अपने टाइम को अगर आप लगा पाते हैं तो निश्चित तौर पे जो आप सोच पा रहे हैं वो आपको देने की क्षमता रखता है। तो हमेशा इसे लाइफ टाइम बिजनेस के तौर पर इसे लें। यह आप और आपके परिवार के बारे में सोचकर इस व्यवसाय को आप करें, ताकि आप और आपका परिवार इस बिजनेस में आकर के इस व्यवसाय को एंजॉय कर पाए। तो ये कभी भी शॉर्ट टर्म के माइंड सेटअप के साथ ना आए, इस व्यवसाय में आए तो आपको आप एक प्रैक्टिकली अपने दिमाग को एक कमांड दें कि यह व्यवसाय मेरी जिंदगी और मेरे बच्चों की जिंदगी बनाने का व्यवसाय है, तो मुझे इसे टाइम टेकिंग प्रोसेस में चलना पड़ेगा। यानी कि आपको कम से कम 2 से 5 साल का माइंड सेटअप जरूर करके इस बिजनेस को करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं
तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। हम चलते हैं नेक्स्ट चौथा पॉइंट, नॉट टॉकिंग टू एनफ पीपल। ये गलती जाने अनजाने में होती है। हम शुरुआत बहुत पैशन के साथ करते हैं और हम अपने कुछ साथी के साथ इस व्यवसाय में शुरुआत करते हैं, और जब हम शुरुआत करते हैं तो आप किसी का माइंड का सेटिंग नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म के लिए आ जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्राई करने आ जाते हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको लगातार लोगों को अपने नेटवर्क में लाते रहना है जब तक आपको वो साथी ना मिल जाए जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी के लिए इस व्यवसाय को बिल्ड कर रहे हैं। मतलब पैसिव इनकम के लिए अगर कोई साथी इस व्यवसाय को आता है और उसे आप समझ पाते हैं, तब तक आपको रुकना नहीं, जब तक आपके साथ इस नेटवर्क में पैसा कमाने की नियत रखकर लोग इसे न ज्वाइन करें। और आप लगातार आपको अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते तब तक रहना है जब तक आपकी इनकम आपको अच्छी ना लगने लगे, जब तक आप अपने इनकम अपने अचीवमेंट से संतुष्ट ना हो जाए, तब तक आपको लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहना। मतलब आपको लगातार फ्रेश चेहरे को इंट्रोड्यूस करते रहना है, क्योंकि यह व्यवसाय रिलेशन का है, मोटिवेशन का है, प्रमोशन का है, एजुकेशन का है। अगर आप लगातार आपकी टीम में फ्रेश चेहरे इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो आपकी एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं डाउन होगी। और यह व्यवसाय में सफलता के लिए दो महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, एक है आपको फिक्स्ड कोई टाइम, दूसरा आपकी एनर्जी। एनर्जी आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगी और टाइम मैनेजमेंट आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों से हमेशा बात करते रहना है, हमें कम लोगों का नेटवर्क नहीं बनाना है, हमें लगातार अपने नेटवर्क को बड़ा करना है। तो मेरा काम यह है कि मेरे टीम में जो नेटवर्क बना है उनके साथ तो मैं पैशनेट होकर के सफलता के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो काम है वो है कि मेरे नेटवर्क में कैसे नई एनर्जी आती रहे और उन्हें लाता रहता। डिपेंडेंट बिजनेस नहीं है, ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है। आप 4, 6, 10 लोगों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जब तक आपके नेटवर्क में लीडरशिप का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, जब तक आपके नेटवर्क में पैशनेट लोग नहीं आ जाते, जब तक आपकी इनकम आपको अच्छी नहीं लगने लगती है, तब तक आपको लगातार लोगों के साथ मिलना होगा, डेमोंस्ट्रेशन करना होगा, लिस्ट पर बनाना होगा, लोगों को ट्रेनिंग मीटिंग में इन्वॉल्व करना होगा, खुद बैठना होगा। और ये प्रोसेस लगातार 1 साल 2 साल 5 साल जितने आप डिसीजन लें उतने साल जरूर करें। आगे हम बढ़ते हैं और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण जो है कि ये पांचवा स्टेप है, जो पांचवा पॉइंट है। जब यहाँ पर लोग आते हैं तो दो तरीके से आते हैं। पहला, कुछ कंज्यूमर आते हैं कि हमें प्रोडक्ट लेना है अच्छी क्वालिटी का डिस्काउंट में, तो वो कभी बिजनेस मेंटेलिटी से नहीं आते। तो जब कंज्यूमर मेंटेलिटी से आप यहाँ व्यवसाय करने आएंगे तो जब आप कभी भी इससे बाहर हो सकते। यहाँ पर कौन लोग रहेंगे जो बिजनेस मेंटेलिटी से आएंगे या जो मालिक के हैसियत से आएंगे? मोदी केयर में आपको ये समझना होगा कि आपने मोदी केयर में क्या लगाया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैंने कुछ नहीं लगाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने अपने सपने लगाए और उस सपनों की कीमत आप समझिए। बहुत सारे साथी हमारे बोलते हैं हम रेंज रोवर लेंगे, बहुत सारे साथी BMW की बात करते हैं, उसकी क्या कीमत। वो कीमत के सपने आपने मोदी केयर में लगाया है, तो अगर आपने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के सपने लगा दिए, इसका मतलब आप उतने के हकदार हैं और आप मालिक हैं मोदी केयर के, आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ इस व्यवसाय में रहते हैं तो आप असफल नहीं हो सकते। क्यों? एक ओनर, एक मालिक कभी बारिश की वजह से ऑफिस ना जाए ऐसा नहीं होता। कभी आप देखेंगे कि जब आप मालिकाना हक रखते हैं
कोई भी दुकानदार अगर आप देखेंगे तो उनमें ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो अपने दुकान को टाइम से जाता है। यहाँ पर भी मोदी केयर में अगर आप मालिकाना हक रखते हैं और आप अपने आप को ओनर समझते हैं, तो आपको ठंडी, गर्मी, बरसात या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हमेशा आती रहती है उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। यह ताकत देगा आपको कि आपने अपनी कंपनी के लिए, अपने लिए, जहाँ से आपके सपने जुड़े हैं, क्या आज आपने काम किया कुछ? आपसे, अपने आप से सवाल आएगा, और निश्चित तौर पे अगर आप नहीं काम किए हैं तो आपको अफसोस होगा। और जिस दिन आपको अफसोस होने लगे, उस दिन समझ लीजिए कि आपने अपने आप को ओनरशिप में ला लिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमेशा एक बात ध्यान दीजिए, अभी हमारे अपलाइन ने बोला कि जब भी आप मीटिंग अटेंड करें तो आप अपने वीडियो को ऑन करके बैठे। मैं इस चीज को मानता हूं, क्योंकि अगर आप वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो आप किसी ना किसी के आई टू आई कॉन्टेक्ट में आएंगे, और आपको समझ में आएगा कि आपके टीम में कितने लोग एक्टिव हैं जो इस मीटिंग को सीरियस होकर देख रहे हैं। तो आप हमेशा खुद पे पहले अप्लाई करें, मैं अपने आप पर अप्लाई करूंगा, देन मैं अपने टीम को ये चीज बात करूंगा। तो हमारे अगर ओनरशिप मेंटेलिटी है तो मेरी मीटिंग, अगर मेरी कंपनी का कोई बोर्ड मीटिंग हो रही है तो मैं अपनी बोर्ड मीटिंग में किसको किस तरह बैठने दूंगा, ये आपको समझ में आ जाएगा और आपका व्यवसाय तेज रफ्तार पकड़े। तो पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको आज से ये मानना होगा कि यह व्यवसाय मेरा है और मैं इसका ओनर, मालिक। आगे बढ़ते हैं और छठवें कदम, प्रोकास्टिनेट। ये किसी भी क्षेत्र में पॉइजन है। आप अपनी दुकान कर रहे हैं तो भी ये जहर है, आप अगर जॉब पे जा रहे हैं अगर प्रोकास्टिनेटिंग में है तो भी ये पॉइजन है, आपको नुकसान देगा और इस व्यवसाय के लिए तो बिल्कुल ही खतरनाक। प्रोकास्टिनेटिंग मतलब टाल मटोल। आप देखते होंगे, आप बहुत सारे, आपके साथ में ऐसी घटनाएं हुई होगी कि कोई काम आज करना था, किसी रीजन बस हम उसको टालते हैं, और जब एक बार टाल जाता है तो वो काम लंबा टल जाता है। जब आपके सपनों की बात आ रही है, जब आपके बच्चों की जिंदगी के बाद आ रही है बात आ रही है, तो हमें प्रोकास्टिनेटिंग तो छोड़ना ही पड़ेगा। और हमेशा बहुत पहले से एक कविता, एक दोहा हमने पढ़ा था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होत है बहुर करोगे कब। कल किसने देखा है डियर फ्रेंड, कल किसने देखा? जब भी देखे होंगे तो आप आज देखे होंगे, तो आज का काम आज खत्म करना है, कल पे नहीं टालना। अगर कल पे टालेंगे तो आपका फ्यूचर कल पे टलता चला जाएगा। आपको कार अगर लेनी है और आपने डेट डाला है और आपके माइंड ने कंसीव नहीं किया तो उस डेट पे आपको कार आने वाली नहीं है। आपने लाखों के इनकम की लेने का प्लान कर दिया लेकिन आपके माइंड में पिक्चर ही नहीं दिया, यानी कि प्लान ही नहीं बना, आप टाले जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं, तो मतलब ये है कि आपका जो इनकम है वो आपसे दूर जा रहा है। तो कभी भी प्रोकास्टिनेटिंग ना करें, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता संघर्ष की ही कोख से जन्म लेगी। तो अगर मैं प्योर बिजनेस माइंड सेटअप की बात करूं तो यहाँ पर संघर्ष एक बार करना है, अब वो लगातार ड्यूरेशन क्या होगा वो आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग इंस्टॉलमेंट में ईएमआई की तरह संघर्ष करते हैं, 2 महीना किया, 1 महीना, चलो कोई नहीं अगले महीने कर लेंगे। प्रोकास्टिनेटिंग माइंड में आता है और डेली आता है, सिर्फ हमें इससे बचना है कि नहीं, अगर आज मुझे 100 पॉइंट वैल्यू करना है तो आज ही करना, कल नहीं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं जो मेरी बात से सहमत होंगे कि उन्हें कुछ करना था आज और उन्होंने बोला नहीं कल करेंगे, तो कल बारिश हो गई या कल तबीयत खराब हो गई या किसी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो गया, ये होता है। क्योंकि आपने खुद अपनी किस्मत को जो है कि रोका है, आपने अपने सफलता को खुद रोक दिया, जबकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, आज मैं वो काम खत्म कर सकता था लेकिन मैंने सिर्फ रिलैक्स करने के मूड में आ गया और मैंने उसे टाल दिया, और टाल दिया तो टलता गया। और इस सिस्टम में जरूर होता है, जिस सिस्टम में आप हैं, अगर आप इस सिस्टम में रह करके कोई भी काम अगर एक बार आप टाल के देखिए वो महीनों तक टलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाल मटोल करना हमें बंद करना पड़े। अगर हमने डेट फिक्स किया है कि दिसंबर के महीने की क्लोजिंग जो हम करेंगे उसमें हम लखपति होंगे, तो उसका उस लाखों की इनकम को प्लान में कन्वर्ट कर दीजिए और प्रोकास्टिनेटिंग छोड़ दीजिए।
अपने अपलाइन जो है एक्टिव अपलाइन उनके साथ बैठ करके उस पर प्लान कर लीजिए। मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि दिसंबर तक आपकी इनकम वही होगी जो आप चाहते हैं, और ऐसा नहीं मैं किताब में देख के बता रहा हूँ, हम लोगों ने ऐसा किया है। क्योंकि जिस अर्जुन की तरह जैसे मछली की आंख पर निशाना लगाना था तो उनको सिर्फ आंख दिख रही थी, बाकी लोगों को फूल पत्ते पेड़ पौधे भी दिखे थे लेकिन उसको सिर्फ आंख दिखी थी और निशाना उसी का लगा था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका निशाना आपकी इनकम है तो इनकम के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, और उसके लिए मुझे कोई टाल मटोल नहीं करना है। अगर मुझे सफलता मेरे डिसाइड किए हुए टाइम पे लेना है तो भैया प्रोक्रास्टिनेटिंग बंद कर देना आज से, अभी से। तो हम आगे बढ़ते हैं और सातवां कदम देखते हैं। सातवां पॉइंट क्या है? टेकिंग रिजेक्शन टू हर्ट। ये हर स्तर पे होता है, ये जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तब होता है, ये जब हम इनविटेशन करते हैं तो भी होता है, ये जब कुछ लेबल टाइटल भी मिलता है तो भी ये होता है। हम रिजेक्शन को दिल पे लेकर के, जैसे मैडम है तकिए में मुंह लगा के रो रही, हमने चूज किया कि किसी ने मुझे, अगर सपोज करिए आपने मुझे रजिस्टर्ड किया मोदी केयर में और आपने मेरे पर भरोसा किया और मैंने आपको रिजेक्ट किया, किसी भी लेवल पर रिजेक्ट कर सकते हैं, तो गलती किसकी है? गलती हमारी है। तो हमें उसे दिल पे नहीं लेना है। कोई आपको रिजेक्ट करता है, क्लोज हो, दोस्त हो, रिलेटिव हो, तो ये आपको दिल पे नहीं लेना है। इसलिए मैंने पहले बताया कि आपको मैक्सिमम लोगों से बात तब तक करनी है जब तक आपकी सफलता आपको मिल नहीं जाती। अगर आप कुछ लोगों में जाएंगे और कुछ लोगों के साथ काम करेंगे तो कुछ लोगों में से कुछ लोग रिजेक्ट कर देंगे, और जब रिजेक्ट होते हैं तो आपका पूरा सिस्टम हिलता है। तो कभी भी अपने नेटवर्क में लोगों को सिर्फ ये सिखाइए कि आप साथ किसका देंगे, आप कदम से कदम किसको मिलाएंगे, जो रिजेक्ट कर रहा है उसको या आपको जो सेलेक्ट कर रहा है उसके साथ। तो जो आपको सेलेक्ट कर रहा, जो आपके साथ आपके नेटवर्क में सपनों के लिए आया है, पैसों के लिए आया है और वो संघर्ष करने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार है, आप उसके साथ कंधा से कंधा भी मिलाइए और उसके साथ साथ अपने सपनों को भी आप उड़ान दे सकते हैं। तो रिजेक्शन को कभी दिल पे मत लीजिए, क्योंकि ये समय खराब कर देगा आपका, आपको हो सकता है इस व्यवसाय से बाहर भी कर दे। क्योंकि रिजेक्शन, हम इमोशनल लोग हैं, हिंदुस्तान को ये माना जाता है कि ये इमोशन में कुछ भी कर सकते, तो आप कहीं इमोशन में अपने इस व्यवसाय को, जो आपके सपनों को पूरा करने वाला है, उसे तो नहीं छोड़ रहे हैं। कभी कभी होता है कि किसी की बातें किसी को चुभ जाती, तो दोस्त उस चुभी हुई बातों से आपका फ्यूचर खराब होने वाला है। आप उस व्यक्ति को छोड़िए, अपने फ्यूचर को पकड़ लीजिए, आप सफल हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जो आपके सफलता में कोई पॉइंट, किसी की बात आपको अच्छी लगती है बस उतना लीजिए, अगर कोई बात बुरी लगती है तो उसको ऊपर वाले ने दो कान दिया है, एक से सुनिए और दूसरे से जाने दीजिए, क्योंकि सफलता में व्यवधान पैदा कर देगा वो बात। कहा जाता मन के हारे हार है मन के जीते जी, जब आपके दिल में दर्द शुरू हो जाएगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो कभी भी रिजेक्शन के तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको रिजेक्शन को स्वीकार करना पड़ेगा। आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए, बहुत सारे लोग, क्यों हुआ ऐसा कि लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए, और किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी, अगर हमने इसे एक बीमारी के तौर पे स्वीकार कर लेता तो हम इलाज के तरफ भागते, हम अपनी सुरक्षा के लिए तैयार होते। उसी तरीके से इस बिजनेस में आपको रिजेक्शन को स्वीकार करना होगा, और उसी रिजेक्शन के साथ आपकी सफलता आपको मिलने वाली है। तो ये सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर नए पुराने साथी के लिए, जो रिजेक्शन पे स्वीकृति दें, उसे स्वीकार करें और आप अपने आप को आगे लेकर जाएं। आठवां और बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि ये आपको शुरुआती दौर में बड़ा मदद करता है। जब आप व्यवसाय को देखते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं,
करने के बाद आप एडवाइस देते हैं, इससे जरूरत पड़ती है। जो शुरुआत की ट्रेनिंग लिया होगा उसे कभी यहाँ फेलियर नहीं होने को पाएगा, लेकिन जो शुरुआत की ट्रेनिंग नहीं लिया होगा उसको यहाँ समस्या हो जाती है, क्योंकि आपने व्यवसाय देखा एक एक्सपर्ट के साथ और आपने एडवाइस लिया एक नॉन एक्सपर्ट से। मेरे बच्चे को अगर डॉक्टर बनाना है तो मैं टेलर से राय नहीं लूंगा, ये एकदम क्लियर है कि मुझे अगर डॉक्टर बनाना है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे अगर सूट सिलाना है तो मैं नाई के पास जाके एडवाइस तो नहीं लूंगा कि मेरा सूट कैसे बनेगा, मैं जाऊंगा तो अपने टेलर के पास ही जाके एडवाइस लूंगा। सेम यहाँ पर होना चाहिए लेकिन होता नहीं। आप सभी लोग जितने लोग साथी यहाँ पर हैं, जब भी आप कोई एडवाइस की जरूरत पड़े, कुछ सलाह लेना है, तो आप इस सिस्टम में सफल हुए व्यक्ति या कंपनी मैनेजमेंट की मदद लें, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे और आपकी सफलता में कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो कभी भी नॉन एक्सपर्ट से सलाह ना ले। आगे बढ़ते हैं और नौवां कदम, नौवां पॉइंट कहता है टॉकिंग निगेटिव। यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की परंपरा हमेशा ये रही है, हम बातें करते हैं लेकिन उन बातों में 90% हम किसी के बारे में गलत ही बात करते हैं। यहाँ पर भी होता है लेकिन आपको एज ए लीडर यहाँ पर बचना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी भी नकारात्मक ना तो बोलना है ना तो सोचना है, यहाँ मना है टोटली। क्योंकि जब आप किसी बात को, निगेटिव बात को बार बार अगर बोलेंगे तो आप बोलेंगे तो वो व्यक्ति नहीं सुनेगा जिसके बारे में आप बोलेंगे, सबसे पहले आपका कान सुनेगा और आपका कान जब सुनेगा तो आपको माइंड को जाएगा, और माइंड का सिर्फ एक काम है किसी भी बात का मल्टीप्लिकेशन करना। और कहा जाता है कि जो आप चाहते हैं उसे ही आप बार बार बोलें, ऊपर वाला हमेशा तथास्तु करने के मूड में रहता है। अगर आपने गलत बातों को बार बार करते हैं तो आपको वो मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कभी भी इस व्यवसाय में निगेटिव बातें नहीं करनी, ना तो अपने अपलाइन से करिए, ना तो डाउनलाइन से करिए, ना क्रॉस लाइन से करिए, कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, यहाँ वर्जित है। अब आप बोल सकते हैं सर अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपलाइन से ना बात करें। सर अगर बात सिर्फ एडवाइस की है, एडवाइस लेने का जरूर करें, एडवाइस और कंप्लेन में अंतर है, इसको आप समझिए। एडवाइस लेने के लिए आप किसी से बात कर सकते हैं लेकिन कंप्लेन करने के लिए फिर ना करें। तो ये है नवां पॉइंट कि कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना तो अपने टीम में करें, ना तो अपलाइन से करें, ना तो डाउनलाइन से करें, ना तो क्रॉस लाइन। हाँ, लेकिन एडवाइस की अगर कोई गलत चीज हो रहा है या आपको लग रहा है कि ये गलत है या आपके टीम में कुछ गलत प्रैक्टिस है, आप अपने अपलाइन से शेयर करें, कंप्लेन ना करें, शेयर करें, एडवाइस लें, ये कर सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं और दसवां पॉइंट की तरफ, जो कि आज की मीटिंग का लास्ट पॉइंट है, नॉट मैनेजिंग टाइम। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये उसी तरह का पॉइंट है जिस तरह आपके मोबाइल नंबर का दसवां नंबर है, अगर वो सही नहीं बैठा तो जिससे आप बात करना चाह रहे थे उससे तो नहीं कर पाए। तो जब आप इस व्यवसाय में आते हैं तो पार्ट टाइम में बताया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है पार्ट टाइम में व्यवसाय करना। पार्ट टाइम का व्यवसाय है तो इसे फिक्स्ड आप टाइम करना पड़ेगा, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर मैंने दो दिन किया, तीसरे दिन तो मैं यहाँ फंस गया। अगर आप फंस रहे हैं तो फंस जाएंगे, फिर आपकी सफलता फंसेगी। अगर आपने टाइम डिसाइड किया तो उसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करें, क्योंकि पार्ट टाइम में व्यवसाय शुरू होता है और जो फुल टाइम में है साथी उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम मैनेज का, क्योंकि फुल टाइम वाले के पास टाइम ही टाइम होता है, इसलिए वो टाइम मैनेज नहीं करते। और आप देखते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, हम फुल टाइम मोदी केयर के साथ हैं, बहुत बार ऐसा हुआ कि कोई प्लान ही नहीं हो पाता पूरे दिन। क्यों? कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा कल कर लेंगे, घंटे बाद, दो घंटे बाद, टाइम ही टाइम, कहाँ जाना है सुबह। अब वो हुआ कि हमने कोई प्लान, प्री प्लानिंग नहीं करी थी, तब होता है। तो अगर मैं सीरियस हूँ अपने सपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो मैं प्री प्लानिंग करता हूँ। आप भी सारे लीडरशिप प्री प्लानिंग करती है, कल का क्या प्लान है, आज होगा, आप लोगों की आज की मीटिंग कल रात में पोस्ट होती है,
उसी तरह फिजिकल मीटिंग कल जो होनी है वो आज तय हो जाती है कि मुझे कल इतनी मीटिंग करनी है। और अगर आप अपने सपनों को प्लान बनाए हैं तो निश्चित तौर पे प्री प्लानिंग करिए, क्योंकि जो प्री प्लान करता है उसका प्लान 90% सफल हो जाता है, लेकिन जो करंट प्लान में चलता है 90% वो फेल होता है। तो ये रहा आपका दसवां जो पॉइंट, ये 10 पॉइंट हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, अभी से करना है, तुरंत से करना है। मैं इसे एक बार समराइज कर देता हूँ। A1 to 1 फर्स्ट है कि री